You are watching Cinema Ke Lal. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon to get notifications of our latest videos from Cinema Ke Lal. क्या आपने कभी देवानंद को जेम्स बॉन्ड अंदाज में स्पेशल एजेंट के रूप में किसी इंग्लिश फिल्म में देखा है? क्या आपने देवानंद को कभी किसी फिल्म में अपनी हीरोइनों के साथ लिपलॉक करते देखा है? क्या किसी 70 के दशक वाली देवानंद की किसी फिल्म में आप लेस्बियन सीन की उम्मीद कर सकते हैं? देवानंद का जिक्र आते ही ड्रामा और रोमांस के जादूगर एक सदाबहार हैंडसम अभिनेता की झलक सामने आ जाती है, जो दशकों तक हिंदी सिनेमा का बुलंद सितारा बना रहा। उनके द्वारा निभाए गए चरित्र दर्शकों ने खूब पसंद किए, लेकिन बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि बॉलीवुड की तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्में करने वाले देवानंद ने एक इंग्लिश फिल्म द एविल विदिन भी की थी, जो 1970 में आई थी। इस फिल्म में देवानंद ने जेम्स बॉन्ड स्टाइल में एक स्पेशल एजेंट देव वर्मा का किरदार निभाया था। फिल्म में कई देशी विदेशी सितारों ने काम किया था, जिसमें सबसे प्रमुख थे वियतनाम की चर्चित अभिनेत्री कियू चिन्ह, हॉलीवुड के रॉड पैरी और बॉलीवुड की जीनत अमान, प्रेमनाथ और इफ्तिखार जैसे सितारे। यही वो फिल्म थी जिसमें जीनत अमान ने सबसे पहले काम किया था। हालांकि दावा ये भी किया जाता है कि देवानंद ने उन्हें इससे पहले ही हरे रामा हरे कृष्णा में कास्ट कर लिया था। ये फिल्म मूलतः इंग्लिश भाषा में बनी थी और इस इंडो फिलिपिनो फिल्म का निर्माण एक अमेरिकन प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया था, जिसे 20th सेंचुरी फॉक्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया था और इसे निर्देशित किया था फिलीपींस के मशहूर निर्देशक लैम्बर्टो वी आवेलाना ने। फिल्म में बॉलीवुड अंदाज में नाच गाने के सिवाय हर मसाला मौजूद था। फिल्म में एक लेस्बियन ट्रायंगल भी था और देव साहब के हॉलीवुड अंदाज में कुछ लिप लॉक सीन भी। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से ये फिल्म इंडिया में कभी रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन बाद में इस फिल्म को फिलिपिनो भाषा में डब कर फिलीपींस में रिलीज किया गया। इस वजह से कई लोग इसे हॉलीवुड की नहीं बल्कि फिलीपींस की फिल्म समझने लगे। यह फिल्म अपने जमाने में फ्लॉप रही, इसीलिए न इसे ज्यादा लोगों ने देखा और ना ही ज्यादा लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी हाथ लगी।